Hello everyone, hope all of you are doing good. This is Akash Jakhad from Worm Gehlot Rottweilers India. And today's topic is bite fault in Rottweilers. अभी आपने काफ़ी टाइम से आप लोग हमारे चैनल पे वीडियोस देखते आ रहे हैं जिनमें डॉग्स और वीडियोस हैं, हमारे खुद के डॉग्स वीडियोस हैं या फिर कुछ वीडियोस जो यूरोप के अच्छे काफ़ी पॉपुलर या फेमस डॉग हैं या फिर अच्छे डॉग हैं उनकी वीडियोस जो हमने अपडेट की हैं। तो ट्रेनिंग वीडियोज हमने काफ़ी अपडेट की हैं। तो आज की वीडियो है, स्पेशल टॉपिक है, वो है बाइट फॉल्ट के। बाइट फॉल्ट रॉटवाइलर एक तो होता जेनेटिक, दूसरा होता ओनर की मिस्टेक से या फिर बोल सकते हैं ओनर की इग्नोरेंस है। जो जेनेटिक होता है या तो बाइट ओवरशॉट होगी या अंडरशॉट होगी, ठीक है। और जो मिस्टेक से होता है ओनर की, या फिर ओनर इग्नोर कर देता, पप्पी का अच्छे से केयर नहीं कर पाता या पप्पी पे ध्यान नहीं देता, डॉग पे ध्यान नहीं देता, उसकी वजह से भी बाइट फॉल्ट आता है। वो होता है कई बार, क्या होता है, डॉग जो मोस्टली बाइट फॉल्ट आता है वो आता है मीन्स जो ओनर की इग्नोरेंस जो बाइट फॉल्ट आता है वो आता है 4 से 5 मंथ्स की एज पे। उस टाइम पे जो पप्पी होता है उसके जो पुराने वाले टीथ होते हैं वो टूटते हैं, या जैसे ना ह्यूमन बेबी के क्या है कि पुराने वाले जो टीथ होते हैं वो टूटते हैं, नए वाले उनकी जगह पे आते हैं। सेम डॉग्स में भी होता है। तो कई बार क्या होता है, ये पुराने वाला टीथ हटता नहीं है और उसकी जगह पे नया भी वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगर जब पुराना वहाँ पे राइट प्लेस पे पुराना है तो जो नया वाला टीथ जो ग्रो करेगा वो रॉन्ग प्लेस पे ही करेगा, जिसकी वजह से बाइट फॉल्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए सिंपल चीज़ जो आपको हम लोगों को करनी है फिर आपको करनी है वो है कि अगर आप उस टाइम में पप्पी का ध्यान रखो, अगर पुराना वाला टीथ नहीं हटा है और नया वाला वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो पुराने वाला को धीरे धीरे हिलाते रहो। हो सकता है कि वो 3-4 दिन में या 3-4 डेज के अंदर वो टूट जाए या फिर हट जाए, ठीक है। अगर नहीं हटता तो आप वेटरनरी डॉक्टर्स के पास लेके जाओ डॉग को, डॉक्टर को बोलो कि ये आपको रिमूव करना है, डॉक्टर उसे हटा देगा। और बाई चांस अगर कई बार क्या होता है कि मोस्टली टाइम वो अपने आप हट जाते हैं, जनरली यही होता है कि वो जो पुराने वाला टीथ है वो अपने आप हट जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है नहीं हटता है, तो उस केस में आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा होता है कि जो बाइट फॉल्ट आता है, कई बार क्या है कि जो डॉग है अपनी टंग मतलब जीभ को दांतों के बीच में रखता है, अगर डॉग दांतों के बीच जीभ को रखता है तो क्या है कि वो उसका जो मैं सिंपल लैंग्वेज ही बोलूंगा जैसे कि आप सबको आसानी समझ में, जो जबड़ा होता है या वो खुल जाता है, मतलब कि जैसे परफेक्ट बाइट ऐसे होनी चाहिए, अगर डॉग जीभ को बीच में रखेगा वो ऐसे ओपन हो जाती है कि इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी, और ऐसे भी रह सकता है, जो कि बाइट फॉल्ट है, ठीक है। अगर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर डॉग जीभ को आउटसाइड रखता है, कई बार क्या कि वो बाहर आपको दिख भी जाएगी कि हाँ बाहर निकाल रखी है, कभी कभी क्या होता है कि वो दांतों के को बीच में रखता है डॉग लेकिन वो लिप्स के अंदर ही रहती है जिससे पता नहीं चलता, और इसका सोल्यूशन शायद ही ना के बराबर है। बाकी ट्राई कर सकते हैं डॉग को मजल वगैरह हम यूज़ करके कि वो अपनी जीभ को थोड़ा अंदर रखे या फिर थोड़ा उसको डांट के कि हाँ कि ये गलत है, ऐसे बाहर नहीं रखनी है, और इससे बैठ खराब होते जो कि सो के में आप लेके जाओगे डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई फॉल्ट है, आपका डॉग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। थर्ड होता है, कई बार हम डॉग पे ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी चबा रहा है कुछ भी खींच रहा है, जैसे कई बार क्रिएटिव केज वगैरह में वो रखते हैं डॉग को तो वो क्या कि जाली को खींचेगा केज को खींचेगा तो उससे कि उसकी बैट खराब होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डॉग है उसको देखें कि अगर वो केज में या फिर आप ओपनली वो खेल रहा है तो किस चीज को ऐसे खींचे ना, इससे बाइट फॉल्ट होने का चांसेस हैं। और जेनेटिक बाइट फॉल्ट होता है जैसे अंडरशॉट है या फिर ओवरशॉट बाइट है, मैंने अभी इस वीडियोज में उनकी पिक भी अटैच की हुई है कि परफेक्ट बाइट कैसी होती है, लेवल बाइट कैसी होती है, अंडरशॉट कैसी होती है या फिर ओवरशॉट कैसी होती है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि परफेक्ट बाइट कौन सी होती है या कैसी दिखती है वो, ठीक है। तो अंडरशॉट और ओवरशॉट का ये जेनेटिक है, बट अगर फादर मदर में है तो उनमें पप्पीज में आएगी, मोस्टली पप्पीज में आएगी, जरूरी नहीं है कि अगर लीटर में 10 पप्पीज है 10 में आए, हो सकता है 4-5 में आए या 6-7 में आए, हो सकता है सिंगल पप्पी भी आए, लेकिन अगर आपके पास जो डॉग है उसकी वाइट फॉल्टेड है तो कभी भी उसको ब्रीडिंग में यूज मत करो,
चाहे आप लोकल ब्रीडिंग करते हो या फिर प्रोफेशनली करते हो या फिर कैसे भी आप ब्रीडिंग में, मतलब ये है कि सिंपल है, उसको ब्रीडिंग में यूज मत करो। डॉग्स में लेके जाओगे ओवरशॉट बाइट को, बाइट फॉल्ट है, डिस्क्वालीफाई, आपका डॉग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओवरशॉट है वही बहुत डॉग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, लेवल बाइट में 99% चांस है कि आपका डॉग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 1% कई बार, कभी कभी क्या होता है कि डॉग को अलाउ हो जाता है कई बार, लेकिन चांस ना के बराबर है, क्योंकि वो भी एक तरह से बाइट फॉल्ट ही माना जाता है अगर लेवल बाइट है। जो परफेक्ट बाइट है वो सीजर बाइट है, उसका मैंने आपको फोटो इस वीडियो में मिल जाएगा। डॉग्स में सिर्फ परफेक्ट बाइट ही अलाउ है, जो कि रॉटवाइलर हो या फिर कोई भी ब्रीड है जो उसने स्टैंडर्ड में जो मेंशन की हुई है या फिर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो बाइट है वही आपको डॉग्स में अलाउ है, अदरवाइज डॉग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, परफेक्ट बाइट सीजर बाइट ही परफेक्ट होती है। बाइट फॉल्ट जेनेटिक होता है, जेनेटिक हो सकता है या फिर ऑनर की इग्नोरेंस या केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है, जो कि ध्यान रखना है। अगर बाइट फॉल्ट है, डॉग में बाइट फॉल्ट है, तो कभी भी उसको ब्रीडिंग में यूज मत करो, क्योंकि वो बाइट फॉल्ट है वो पपीज में भी आएगा। और जो बाइट फॉल्ट आता है मोस्टली होता है क्या है, अगर मदर फादर में बाइट फॉल्ट है या फिर किसी ग्रैंड पेरेंट्स में भी है, तो पपीज में बाइट फॉल्ट आएगा, पूरा चांस है। जेनेटिक फॉल्ट जो होता है वो पप्स में भी आएगा। तो अगर फॉल्टेड जो बाइट का डॉग है तो उसको आप ब्रीडिंग में यूज करना बिल्कुल ना करें। आपका खुद का डॉग भी है, चाहे कितना भी अच्छा लॉट वाइज ठीक है, अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर उसमें बाइट का फॉल्ट है और आप उसको ब्रीडिंग में यूज करते हो, तो आपके पास जो पप्पीज होंगे या फिर उनमें भी बाइट फॉल्ट आएगा, बहुत ज्यादा चांस है बाइट फॉल्ट आने के। तो बाइट फॉल्ट को इग्नोर करो। और अभी जितनी भी मैंने इस वीडियो में पिक्स वगैरह अटैच किए हैं, जिसमें आप समझ जाओगे परफेक्ट बाइट कैसी होती है, ओवरशॉट क्या होती है, अंडरशॉट क्या होती है, लेवल बाइट क्या होती है, तो वीडियो को फुल एचडी में देखो, समझ में आएगा, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज डू कमेंट, वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।